गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक आज पेश किया। इसके तहत जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है। इस धारा का केवल खंड एक लागू रहेगा। इस पुनर्गठन विधेयक के अनुसार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य होगा जिसकी अपनी विधानसभा होगी। दूसरी तरफ लद्दाख को केंद्र शासित क्षेत्र घोषित किया गया है, इसके साथ विधानसभा नहीं होगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद संसद अब सीधे राज्य के लिए कानून बना सकेगा। कानून रक्षा, विदेश मामले और संचार के अलावा सभी विषयों पर कानून बनाने का संसद को होगा अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 356 हो सकेगी लागू। 1976 का शहरी भूमि कानून जम्मू कश्मीर पर होगा लागू। जम्मू कश्मीर में पंचायत को अब होगा अधिकार प्राप्त। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों को मिलेगा 16% आरक्षण। जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग खरीद सकेंगे जमीन। जम्मू कश्मीर के नागरिकों की दोहरी नागरिकता होगी खत्म। जम्मू कश्मीर राज्य का अगला ध्वज नहीं होगा। राज्य में राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अब होगा अपराध। उच्च न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर में होंगे मान्य। संसद अब सीधे राज्य के लिए बना सकेगी कानून। कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बल जाने के बाद से ही सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी थी, लेकिन रविवार रात को हलचल काफी तेज हो गई। पहले श्रीनगर में धारा 144 लागू की गई, इसके बाद मोबाइल सेवा, इंटरनेट सेवा, लैंडलाइन सर्विस भी बंद कर दी गई। दूसरी ओर जम्मू में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू रीजन में सीआरपीएफ की 40 कंपनियों को तैनात किया गया है। जम्मू और कश्मीर के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और यूनिवर्सिटी में होने वाली परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। कई राजनेताओं को नजरबंद किया गया है। जम्मू कश्मीर पर मची हलचल के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है। कुछ राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच उत्तर प्रदेश और अन्य कुछ राज्यों में एंटी राइट ड्रिल को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सभी समाज के लोग मिलकर रहे। अमरोहा में मुस्लिम युवकों द्वारा शिव भक्तों का स्वागत कर सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश की जा रही है। ये युवक सड़क पर गुजरने वाले सभी कांवड़ियों को पेय पदार्थ भी वितरित कर रहे हैं। 3 तलाक बिल पास होने पर महिलाओं को खुशी जाहिर करना महंगा पड़ गया। फतेहपुर जिले के बिनकी क्षेत्र में 3 तलाक विधेयक के संसद में पारित होने पर एक मुस्लिम महिला ने खुशी जाहिर की तो उसके शौहर ने नाराज होकर कथित रूप से 3 तलाक कहकर घर से बाहर कर दिया। आगरा में कूड़ा जलाने और खुले में फेंके जाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आगरा नगर निगम, SN मेडिकल कॉलेज, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहित कई विभागों पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। बुलंदशहर में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा थर्मल और गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाओं के काम को लागू करने के लिए प्रशासन और किसानों के बीच हुई वार्ता सफल। किसान धरना खत्म करने पर राजी हो गए, साथ ही प्रशासन ने भी किसानों की अधिकांश मांगे मान ली हैं। बरेली में यूनाइटेड शिया मूवमेंट में शिया और सुन्नी समुदाय के लोगों ने अपील की है कि ईद उल अजहा के पहले दिन कुर्बानी ना करके अगले दिन कुर्बानी करें। ऐसी अपील इसलिए की गई क्योंकि 12 अगस्त को ईद होने के साथ सावन का चौथा सोमवार है। चित्रकूट जिले में जिलाधिकारी ने भारत सरकार के जल शक्ति अभियान के तहत जिले में मेरी छत मेरा पानी एक अनोखा अभियान चलाया है, जिसके तहत बारिश के शुद्ध जल को संरक्षित करने के लिए सभी सरकारी भवनों में रूफ टॉप वाटर हार्वेस्ट सिस्टम लगाए गए हैं।